हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों हम आप सभी के लिए नई नई इन्फॉर्मेशन नई नई अपडेट लाया करते हैं, वैसे ही आज एक और नया अपडेट नई वैकेंसी के साथ लेके आए हैं आप सभी के लिए। इस वीडियो के अंदर जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी जो हमारे लिए जरूरी है। जैसा कि आप जानने चाहेंगे यहाँ पे, जैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, कौन सी वैकेंसी होने वाली है, कौन से पदों के ऊपर होने वाली है ये वैकेंसी। तो जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल में देख ही लिया, तो आज की जो वैकेंसी वो है झारखंड होमगार्ड की निकाली गई नई वैकेंसी। वो भी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो योग्यता आपसे मांगी गई है वो 7वीं और 10वीं पास ही मांगी गई है दोस्तों। तो बहुत ही बेहतरीन मौका आ चुका है झारखंड में रहने वाले सारे युवाओं को जो जो करना चाहते हैं, एंड और भी जो करना चाहते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं। बहुत ही भारी मात्रा में निकाली गई है ये वैकेंसी। तो चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में और भी डिटेल में। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन ऑफ झारखंड होमगार्ड रिक्वायरमेंट की निकाली गई है, यहाँ पे इशू कर दी गई है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा। इनवाइट करा है, बहुत इनवाइट किया गया है मेल और फीमेल कैंडिडेट जो कर सकते हैं अप्लाई आराम से। 1400 यहाँ पे 1478 पोस्ट है, 78 मतलब कहे तो 1478 पोस्ट है। एंड इसी के साथ आप जानेंगे आगे और भी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में जानना चाहे तो जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वो है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, पोस्ट नेम यहाँ पे होमगार्ड की पोस्ट रहेगी, और टोटल पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 1478 पोस्ट है। लोकेशन आपकी जो रहने वाली है वो है झारखंड दोस्तों। ऐसे स्टार्ट डेट इसकी है 21 फरवरी और लास्ट डेट होने वाली है 17 मार्च दोस्तों। बेहतरीन जॉब के लिए टाइम भी बहुत अच्छा है दोस्तों आप सभी के पास, मेरे को पता है कि टाइम बहुत है। तो जो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है फटाफट से इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं पोस्ट डिटेल की। तो जैसे कि देख सकते हैं जो यहाँ पे स्टेट वाइज है, ब्लॉक वाइज यहाँ पे बता रखी है पोस्टें कैसे कैसे। जैसे धनबाद के अंदर देखेंगे आप, धनबाद के अंदर है, एक सेकेंड दीजिए मुझे हाईलाइट ले लीजिए। हाँ, धनबाद के अंदर देख सकते हैं मेल के लिए 29 है, फीमेल के लिए भी 29 पोस्ट, टोटल 58 पोस्ट दी गई है यहाँ पे। एंड बल्लीपुर के लिए यहाँ पे 26 पोस्ट है, ऐसे यहाँ पे मेल के लिए 26, फीमेल के लिए भी 26, टोटल 52 पोस्ट है। ऐसे ही टॉप चांची में 28 पोस्ट है मेल के लिए और 28 ही फीमेल के लिए, ऐसे 56 पोस्ट टोटल यहाँ पे दी गई है। ऐसे बागाबारा में 14 पोस्ट है, फीमेल के लिए भी 14 पोस्ट है। ऐसे ही टुंडी में 23 पोस्ट है, ऐसे 23 फीमेल में है। ऐसे यहाँ पे टुंडी, ईस्टर्न टुंडी, टुंडी में देखी जाए तो 51 इसमें है, 51 इनमें है। एंड गोविंदपुर के अंदर देखी जाए तो 25-25 दोनों में है। एंड निरसा में देखी जाए तो 32-32 दोनों में है। एंड आयाकरकुंड में है 50-50 पोस्ट। ऐसे ही कालियासोल में है 41-41 पोस्ट। ये स्टेट के नेम है दोस्तों, उसमें ब्लॉक्स नेम है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। ऐसे मिला के टोटल यहाँ पे मेल के लिए जो पोस्ट होने वाली है वो है 319 पोस्ट। ऐसे यहाँ पे देखे जाए फीमेल के तो वो है 319 पोस्ट। ऐसे यहाँ पे टोटल जो पोस्ट पूरी हो रही है वो है 638 पोस्ट। अब आप सोच रहे होंगे यार इतनी पोस्ट बता रखी है और इतनी पोस्ट, तो आगे भी जानिए दोस्तों, इसी के लिए वीडियो में बने रहिए। एंड आगे बात करते हैं अर्बन होमगार्ड, जो यहाँ पे अर्बन होमगार्ड है दोस्तों उनके लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन धनबाद के अंदर निकाली गई है 401 पद, मेल के लिए फीमेल के लिए भी सेम है। सिटी काउंसिल चिरकुंडा में है 19 और 19, इनमें फीमेल में भी है। ऐसे यहाँ पे टोटल अर्बन पोस्ट यहाँ पे दी गई है जो होमगार्ड की अर्बन एरिया में, वो है 420 फीमेल के लिए और 420 फीमेल के लिए, ऐसे टोटल 840 टोटल मिला के ऐसे होती है जो पोस्ट बताई गई है। ऐसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देख सकते हैं होमगार्ड रूरल वालों के लिए जो विलेज एरिया से हैं उन वालों के लिए यहाँ पे 7वीं पास मांगी गई है, और जो अर्बन एरिया जो सिटी साइड है, सिटी साइड वाले एरियों में, वहाँ पे 10th पास मांगी गई है होमगार्ड के लिए। ऐसे यहाँ पे आपसे बात करी जाए कि आपकी एज लिमिट, तो एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं 19 साल के लिए, 19 साल से 40 साल आपकी एज लिमिट दी गई है, जिसमें ओबीसी वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा, एससी और एसटी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी आपकी होने वाली है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपए, और एसटी एससी और फीमेल के लिए भी 100 रुपए ही रहेगी दोस्तों। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, तो आपका पहले होने वाला है रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट एंड ट्रीटमेंट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट के बेसिस पे दोस्तों। ओके,
अब देख लेते हैं जो फिजिकल डिटेल यहाँ पे दी गई है, जैसे कि EWS, OBCA और जनरल और BC वालों के लिए यहाँ पे आपकी यहाँ पे हाइट जो बता रखी है 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, SC वालों के लिए और ST वालों के लिए यहाँ पे 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एंड यहाँ पे जो हाइट मांगी गई है फीमेल की वो है 148 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बात करें सीने की, तो सीना आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट के लिए जनरल एंड BCE के लिए और EBC के लिए यहाँ पे 79 सेंटीमीटर मांगी गई है। इसी के साथ ST/ST के लिए यहाँ पे 76 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट मांगी गई है। ये देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन निकाला गया है झारखंड गृह रक्षा वाहिनी धनबाद की तरफ से दोस्तों, ये पूरी पोस्टों का, तो देख सकते हैं आप आराम से, ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। इसका डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन लिंक आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.governmentsarkarivacancy.com पे मिल जाएगा, आप इजीली जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, एंड और भी नई नई अपडेट के लिए वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, आपको डेली नई नई वैकेंसीज अपडेट मिलेगी, आप इजीली जिसमें इंटरेस्ट हो आप कर सकते हैं अप्लाई, सारी इन्फॉर्मेशन जान के और नोटिफिकेशन के साथ। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो, नई नोटिफिकेशन, एक और नई वैकेंसी के साथ दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद।